हेलो गाइस एंड वेलकम टू सिबलिंग गेमर्स। आज हम आ गए हैं एक नई गेम माइनक्राफ्ट के साथ। और आप सोच रहे होंगे कि जो हमने फेल्स वाली वीडियो डाली उससे पहले हमने बहुत टाइम तक क्यों वीडियो नहीं डाली, तो वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट करी, एक अपना आलीशान घर भी बना लिया। yes. और यहीं से ही आपको बताना चाहेंगे कि हमारी माइनक्राफ्ट एपिक सीरीज स्टार्ट होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि घर तो दिखाओ, तो वी विल बी रिवीलिंग इट इन 3, 2, 1। डन डन। अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा घर, वो भी इतना घटिया। सो भाई ये घटिया नहीं है, अभी अंदर जाके पता चलेगा कि ये कितना बढ़िया है और कितना घटिया है। तो ये हमने इसकी एंट्रेंस रखी है, थोड़ी अजीब सी है क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा है कि किधर मेन है किधर पीछे, क्योंकि हमें इतने दिन भी नहीं हुए थे माइनक्राफ्ट खेलते खेलते, इसलिए ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। अंदर जाके देखते हैं कि कितनी। अभी हम आपको इसी वीडियो में हाउस टूर भी करवाएंगे और आज की सीरीज भी हम यहीं से ही स्टार्ट करेंगे। सो टन टन। सो ये है हमारा घर, बेडरूम बेसिकली। बेडरूम घर तो ये पूरा ही है, पर बेडरूम ये वाला है। मैंने यहाँ पे दो टेबल बेड लगाए हैं बिकॉज कभी गेस्ट आते, तो यहाँ पे फर्नेस है, चेस्ट है, क्राफ्टिंग टेबल पड़ा है, ब्लास्ट फर्नेस है, बाकी चेस्ट में ये ऐसी सामान फालतू का। बाकी मैंने आइटम फ्रेम इसलिए लगाया ताकि पता चल जाए कि कौन सी चेस्ट किसके लिए है। ऊपर वाली है वेपन्स, नीचे वाली है जो हमारा सामान माइनिंग के टाइम आता है मिलता है, और ये बिल्डिंग मटेरियल एंड खाना। अभी मैं दिखाता हूँ आपको हमारे वेपन्स। सो अभी हमारे पास एक एक्स्ट्रा शील्ड भी पड़ी है, बहुत कुछ है, एक्स शवल बो। और आप देखेंगे कि सब कुछ हमारा आयरन का है, क्योंकि मैंने बोला ना इतने भी टाइम नहीं हुआ था हमको इसलिए, पर जल्दी जल्दी ये सिल्वर कलर गोल्डन, गोल्डन से डायमंड और नेदर में भी बदल जाएगा। तो टेंशन मत करो, जल्दी हमारा चेंज हो जाएगा। और ये है हमारी खाने पीने की सामान, और मेरे पास बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है। ये मैंने जंगल सैपलिंग इसलिए रखी, मुझे लगा इससे मतलब खाने का तो नहीं मिलेगा। ये सीड्स है 64 केक्स, माय गॉड। बीटरूट सूप है, बाकी बहुत कुछ है खाने का। खाने का मैंने रखा है अच्छा। लॉकडाउन में कम से कम एक असली में खा नहीं सकते, तो माइनक्राफ्ट में ही खा लेंगे। हाँ वो भी है। और यहाँ पे मेरा कीमती सामान लैपिस गोल्ड एंड दो आयरन। ओ ओ बहुत सारी और पड़ी है हमारे पास। जोम्बी की आवाज़। बाकी ये बिल्डिंग मटेरियल है। बिल्डिंग क्या होता है यार, ये मैंने ऐसे रख दिया था। बाकी अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपना आर्मर रूम। सो ये है वो, पता नहीं मैंने क्या बनाया, ये घटिया है बहुत कबाड़ा सा, पर सही है जो भी है। मैंने अपने हिसाब से तो अच्छे ही बनाया है। बाकी अभी मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे मैं अपने विलेजर्स रखूँगा और बाकी काम वगैरह करवाऊँगा उनसे। वो एक्चुअली हमारे बेडरूम से ज़्यादा बड़ा ही काम का प्लेस है, और क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आने वाले हैं जल्द ही, आज तो पता नहीं। तो ये हमारा होम है, पर अभी ख़त्म नहीं होता है यहाँ, क्योंकि अभी हमने एक और जगह बना रखी है। वो थोड़ा वो अजीब सा है, वो बाहर से आता है, क्योंकि जाना भी बाहर से है और बहुत स्पेशल भी है, क्योंकि वहाँ पे हमारा हॉर्स बोल्ट रहता है। इसका है बोल्ट नाम है इसका, बोल्ट। पहले हम इसको माउंट करवा रहे थे, फिर हमें पता चला कि अरे ऐसे नहीं होगा, सैडल रखनी पड़ेगी। तब फिर हमने सैडल रखी और इसको फाइनली राइड किया। इसको राइड करना थोड़ा मुश्किल था, सैडल रखना, क्योंकि हम इसको लीश भी कर रहे थे, तो हमें लगा शायद इस पर क्लिक करना है, लेकिन फिर पता चला वहाँ पे एक लीश बटन आता है, हम उसे बार बार मार रहे थे। सॉरी बोल्ट फॉर दैट। अभी अगर हमें XP मिलेगी तो टैग्स भी मिलेंगे, तो हम इसका नाम भी जल्दी आपको डिस्प्ले में दिखा देंगे।
बोल्ट और लीव अ लाइक फॉर बोल्ट. यस अगर बोल्ट इज सो स्मार्ट. सो अभी बोल्ट तू इधर रहे. अभी हम थोड़ा फैंटम आ गए तो हमारी जल्दी सोना पड़ेगा. उससे पहले अगर फैंटम आए तो टक टक कर देंगे हमारा. जल्दी सो जाते. एक तो ये मैंने जगह बहुत अजीब बनाई है. ये भी तोड़ना पड़ेगा लगता है. और जब हम ये घर बना रहे थे ना तो इतना सैंड यूज किया क्योंकि बार बार वो सैंड होती इतनी हल्की है. ऐसे गलती से भी हम कारपेट लगा रहे थे और उसे हटाना होता था वो अपने आप ही सैंड भी हट जाती थी. बार बार हमें सैंड लेनी पड़ती थी फिर yes. फिक्स करना पड़ता था. आज मैं सोच रहा हूँ कि हम कहीं जाए. मेरे पास में ही मैंने केव भी देखी है. सोच रहा हूँ वहाँ जाए. सोच रहा हूँ मेरे को श्योर नहीं क्योंकि मेरे को डर लग रहा है अभी कि वहाँ जाना थोड़ा रिस्की है. तो मैं अपने साथ एक पिकैक्स ले जाऊँगा. बाकी शील्ड मेरे पास अभी कोल नहीं है. वाह अब मुझे माइनिंग ऐसी करनी पड़ेगी. कच्चा ही ले जाते हैं. चलो ये कुछ कुक्ड मटन पड़ा है. थोड़ा हम ब्रेड ले जाते हैं. ब्रेड आप मेरे को ये बताओ कि हम मोबाइल में खेलते हैं तो मेरे को ये नहीं पता कि ब्रेड अगर हमें थोड़ी ले जानी है तो कैसे करना है. दो फिंगर से खींचना क्या करना होता है. जैसे अगर हम क्राफ्ट भी करें तो हमें लिखना पड़ता है. हम वैसे खुद से क्राफ्ट नहीं कर पाते हैं. सो प्रॉब्लम है इसमें. सो हमें पूरे उड ले जाना पड़ेगा क्योंकि हमें आता नहीं है. बाकी और कुछ तो वैसे सही चाहिए नहीं. मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ माइन करने जाऊँ या फिर इस बोल्ट को लेके कहीं दूर एडवेंचर पे जाऊँ. थोड़ा रिस्की तो है क्योंकि कहीं दूर जाना. सो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक बड़ा सा कुछ बनाऊँ ताकि मैं अपना याद रख सकूँ. शायद ऐसा बनाने हूँ या फिर चले क्या. चलो पहले एक बार ट्राई करते हैं इसको लेके चलते हैं. वैसे तो मेरे पास सामान होता ही है. इसकी लीड उठा लो. बाकी मैं ये लेने जा रहा हूँ. और अभी हम राइड करते हैं. अगर कोई भी एनिमल लेके जाओ तो फायदा होता है कि आप जल्दी पहुंच भी जाते हो. इधर उधर भी हो सकता है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए दो सामान आपको एक्स्ट्रा ले जाने पड़ेंगे और हो सकता है आपके पास जगह ना हो उस टाइम. ओ ओ स्पाइडर पता है अभी मेरे को सीरियसली डर लग रहा है. मैं सोच रहा हूँ ना. ओ ओ स्पाइडर्स आ रही है. इसको पहले मैं इस साइड ले जाऊँगा. इससे उतरो यार. लीश करो इसे. इधर आ भाई लगा जल्दी. भाई कैसा है ये लग क्यों नहीं रहा. क्या फेंस नहीं लग. ओ ओ ओ ओ ओ ओ उस सॉरी उश. ओ ओ ओ सीरियसली फेंस नहीं लग सकते. मैं गया फिर. मैं कितनी बुरी तरह फंस गया यार. क्या फेंस नहीं लग सकते. ये क्या यहाँ पे कैसे लग रहे हैं यार. इधर आ भाई इधर आ. अंदर आ अंदर आ भाई. अंदर आ जा. इधर आ. ओह शिट वो लीड तोड़ देगा. अरे यार सनराइज होने वाला है. मैं कितना खटिया हूँ. मैं अपने घोड़े को अपने खुद ही मारना चाहता हूँ. हम बहुत ही बेकार हॉर्स राइडर हैं. ओ भाई कमेंट्स में थोड़ी टिप्स लिखना. यार अब मुझे इसको फेंस कैसे. एक मिनट मुझे ना
सीरियसली कुछ भी नहीं आता, इसका ए बी सी डी कुछ भी नहीं आता। पहले इसे ना मेरे को ये लगाना सीखना होगा। पहले से इधर से तोड़ो, मेरे को बाहर देखने लग क्यों नहीं रहा है। अरे भाई तू अंदर रही हो। हेलो, कोई तो नहीं है ना? कोई नहीं है, कोई नहीं है। चलो 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 आराम से। अब मेरे को ये देखना है ये। ओ यार ये लग तो रहा है। उस टाइम क्यों नहीं लगा यार? कुछ भी चल रहा है इस गेम में। उस टाइम लगा नहीं, अब लग गया। जरा लीश। हेलो इधर आ, भारा 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 बाहर आ जा। भाई साहब कितना टफ है। एक तो मैं तेरे को इधर आने के लिए कह रहा हूँ, तू आता ही नहीं है, घटिया घोड़े। इधर आ चल। ओह बाहर बांधू तेरे को, खटिया कहीं का। यार ये तो बड़ा सीरियसली, फिर बीच में मत आया कर यार, ऐसे तू ही मरेगा, मैं थोड़ी ना मरने वाला हूँ। अंदर रह भाई, अंदर अंदर। सीरियसली तुम्हें तमीज नहीं है यार? कम से कम हाथ मचा रखी, यहीं से फेंकूंगा तेरे हैं, मारूं यहीं से। निकल चल। तो मैं सोच रहा हूँ, मैंने वो जो जगह देखी थी वहाँ जाके देखते हैं, अगर वो मेरे को माइन वो ट्रेडर है लगता है, वहाँ देख के आना पड़ेगा। ट्रेडर ही है वहाँ तो। ओ ओ ओ पोशन भी रखा है, साफ पता चल रहा है उस कौन गुड़ गुड़। हेलो हेलो ट्रेडर, यहाँ पे माइन है, मज़ा यहाँ पे माइन है, तू मर जाएगा। आएगा तो कुछ नहीं है। हाँ हेलो हेलो बाय बाय। अंदर बहुत अंधेरा है, टॉर्च लेके आनी चाहिए थी मुझे। डोंट मैं डोंकी पहली बार देख रहा हूँ। ए किसको देख रहे हो भाई? बट सीरियसली डोंकी पहली बार देख रहा हूँ इस गेम में। मतलब वैसे तो मैंने और सी देखी है, सिर्फ डोंकी अजीब लग रहा है बड़ा। मेरे को टॉर्चेस चाहिए यार, टॉर्चेस मैंने रखी है क्या यहाँ पे? ये क्या है? ओह माय गॉड क्या आवाज आ रही है, खतरनाक। मैं सोच रहा हूँ ना ये टॉर्चेस लेके चलूँ क्या अंदर? क्योंकि अभी मेरे पास कुछ भी बनाने के लिए नहीं है। ये जो ऊपर लगा ये मैं कैसे तोड़ूंगा यार? मैं तोड़ लूंगा, वाह आई एम सो ब्रिलियंट। मुझे एक बेड भी चाहिए होगा आई थिंक सो।
पता नहीं, बेड का तो पता नहीं कि क्या रॉटन फ्लैश। बाकी इसमें कुछ खास तो नहीं है, लीड वगैरह पड़ी है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। अभी हम वापस जा रहे हैं वहीं जहाँ से हम आए हैं, मतलब आए नहीं, माइनिंग जहाँ हम करने। मैं 4 टॉर्चेस लेके जा रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता इससे काम बनेगा, देखते हैं। कोई बात नहीं, अंधेरे में घूम लेंगे थोड़ा सा, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाने वाला क्योंकि मेरे को अभी मरना नहीं है जल्दी, मैं बहुत जल्दी मरने वाला हूँ। चल चल चल, अंदर मैंने देखा था बहुत। ओ हेलो ट्रेडर जी, क्या घटिया सामान दे रहा है यार ये, इतना महंगा दे रहा है मेरे पास। मैंने तो अपना वही खाली कुछ लाया ही नहीं मैं, सॉरी। अभी मैंने यहाँ पे अंदर देखा है, मुझे हैं इतने में रास्ता खत्म कैसे हो गया? शायद कुछ तो नीचे है, व्हाट इज दैट? आओ 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 आओ, मेरी सिर्फ आधी हेल्थ गई मुझे। आई थिंक ये क्या है, फ्लिंट। ओ ओ ओ, आसपास में एंडरमैन है। ओश ओश ओश, ओ नो ओ नो, मैं गया। मैंने ये टॉर्च क्यों, कितना अंधेरा है, मतलब इससे पता चलता है यहाँ पे असली में कितना अंधेरा है। और अगर मैं नीचे गिरा ना, अरे यार टॉर्च लगाओ, कुछ दिख ही नहीं रहा। मिल गई, अब मैं जाऊंगा ऐसे, इतने घटिया तरीके से मैं जा रहा हूँ। ओ कितना दे रहा है, वहां पे मैंने टॉर्च लगाई है, इतने अंधेरे में मैं जा पहुंच गए। ओह माइनिंग तो हमने कुछ नहीं की, बस आ गए। यहाँ पे मैंने एंडरमैन की आवाज सुनी थी, शायद वो इधर ही कहीं है। यहाँ पे बहुत सारे पिग्स हैं, मैंने मार के आने वाला हूँ। क्योंकि इससे हमें शायद पोर्क चॉप मिले। ये रहा। ओ एक हिट में, ओ हम लेवल 1 पे पहुंच गए हैं। दूसरा भी मैंने देखा था। आ भाई मेरे को 2 पे जाना, जल्दी से। किधर है, किधर किधर? वरा 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 वरा, एक और पैक। एक हिट में, सीरियसली एक हिट। हेलो हम मान, अरे इधर कैसे कैसे कैसे, शायद उसको मैंने पहले भी हैं। तू दो पोर्क चॉप एक। हेलो फ्रेंड्स, पोर्क चॉप खा लो। आपको पोर्क चॉप पसंद है ना? मुझे चिकन भी बहुत पसंद है। ये भक 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 कुकड़ू कू, फेदर भी मिला मेरे को। वो डर के पहले भक्के। इधर इधर
बेचारे को मैंने कितने बेरहमी से कत्ल करा है। प्लांट्स यहाँ पे कितने मस्त है यार, देखो मेरी आग, भड़कती हुई आग, ऐसे मेरे दिल में भी है इन ज़ॉम्बीज के प्रति आग। पहले सो लेते, ज़्यादा आग आग मत कर, पर चले अभी हम पे सो। सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग। और आज मैं एक विलेज ढूंढने का सोच रहा हूँ इसके साथ। मतलब ये अपने ख्यालों में खोया हुआ है, उसे कुछ मतलब ही नहीं, वो भी नहीं खाता जो मैंने रख रखा है। कब से रखा हुआ, सड़ गया वो? अरे वो सड़ जाएगा भाई, हट, मैं ही ले लेता हूँ। तू तो पता नहीं किस जन्म में लेगा, कितने मुश्किल से इसके लिए खाना मिला था। पता तेरे को कुछ कुछ नहीं पता है? नो वीट, इसे तो हम अपने खेत बना सकते हैं। ओ माय गॉड, अरे अब मैं ऊपर कैसे जाऊं यार इसके साथ। नेक्स्ट वीडियो पक्का फार्मिंग की होने वाली है यार, मेरे को यही पसंद नहीं है, वहां पे कोई रास्ता ही नहीं है वापस जाने का। यहाँ से यूं जाओ, वापस जा ही नहीं सकते हम यहाँ से। अबे यार मैं गिर क्यों जाता हूँ, इस बार ही मेरे को उधर नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं। अब सो, अभी मैं ना ये जो सामान मेरे को अभी मिला है इनको पहले तो मैं यहाँ पे रख दूँ चेस्ट में, वगैरह वगैरह चीज़ें जो पता नहीं किस काम के आएंगी बाद में मेरे को। अभी मैं ब्रेड बनाने की सोच रहा हूँ, ब्रेड इससे बनती है ना, हाँ वीट से ही बनती है। अब हमें क्राफ्टिंग टेबल में रखते हैं उसे। ब्रेड कैसे बनती है, कुकी के लिए मुझे ये क्या है, कोकोआ बीन्स, केक के लिए मेरे पास इतना तो नहीं है। कितनी ब्रेड बन सकती है, 3 बस, बहुत कम है, कोई बात नहीं। ओह मेरा पूरा एक स्टैक भर चुका है ब्रेड का। ये एप्पल हम खा सकते हैं, खा के देखो। डकार मार रहा है भाई, कड़ो, पता नहीं क्या अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। आज के लिए इतना काफी है, मेरे हिसाब से आज के लिए तो इतना काफी है। हमने आज अपना, ये क्या आवाजें चल रही है भाई, भाई या तो ये वीडियो एंड करने दो या फिर तुम मेरे को अपनी और मत खींचो यार, वीडियो तो एंड करने दो, ऐसे 50 घंटे के बनाओगे तुम्हारे लिए। ये हमने ये पहन के भी नहीं गए, उनका कुछ फ़ायदा नहीं था, बस यहाँ पे खड़े कर रखे हमने, पुतले जैसे लगते हैं। पहन के तो हम कुछ गए नहीं, बस वगैरह वगैरह चीज़ें की हमने, बाकी हमने वैसे तो कुछ नहीं किया। आज हमने बहुत ही घटिया माइनिंग की थी और बाकी वगैरह वगैरह चीज़ें। तो गाइज अगर आपको हमारी फार्मिंग की वीडियो चाहिए इस माइनक्राफ्ट एपिक सीरीज में तो नीचे कमेंट्स में लिखना, और इसमें बोल्ट के लिए एक लाइक तो बनता ही है, और बाकी अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब भी फटाफट से कर देना। हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट माइनक्राफ्ट एपिक सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय।